निखिल डे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये असमानताएं जहां बहुत अन्याय होता है वो राजनीति है, तो उसके खिलाफ लड़ना, तो पहले तो आपको अपने हर निर्णय को मानना पड़ेगा कि ये राजनीतिक निर्णय है। मैं कैसे रहूंगा, कैसे जिंदगी जीऊंगा, मैं दुनिया के हर हिंसा को नहीं रोक सकता हूं, लेकिन खुद मैं नहीं करूं तो वो जरूर मेरे हाथ में है। और इसीलिए मेरी राजनीति और मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच में एक बहुत बड़ा जोड़ाव है, और वो तो आप दुनिया नहीं बदल सकते हो, लेकिन खुद की जिंदगी जरूर बदल सकते हो। संघर्ष शायद अच्छा शब्द है, लेकिन लड़ाई भी बहुत बुरा शब्द नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ चीजों से लड़ना पड़ता है, और उसका अर्थ नहीं है कि वो हिंसा है। तो हर लड़ाई हिंसात्मक नहीं है, बात ये है। और जब कहते हैं लड़ेंगे जीतेंगे, तो ये अर्थ नहीं है कि अब बंदूक लेके चल दो। तो वो एक बहुत गजब का सोच था कि लोगों के पास बराबर आर्थिक परिस्थितियां हों, और वो मेरे ख्याल में, लेकिन बंदूक उठा के वो ला सको, और वो बंदूक उठाने से आप भी दो चीजें थी कि आप एक तो बंदूक उठाओगे और लाने के लिए, वो एक, और दूसरा जब आप जीतोगे, यदि आप जीतोगे, तो आप भी क्या बंदूक के शिकार नहीं होंगे, इस रूप में नहीं कि कोई आपको मारेगा, लेकिन इस रूप में कि आपके पास इतनी शक्ति आ गई कि आप किसी और की जान ले सकते हो, तो आपके ऊपर कहां नियंत्रण। तो ये नियंत्रण और की जान लेना, और इसीलिए आज भी डेथ पेनल्टी जैसे चीज मुझे बहुत बुरा लगता है। सरकार जब शक्ति का दुरुपयोग करता है, बंदूक का दुरुपयोग करता है, बहुत बुरा लगता है। सरकार, मुझे लगता है, स्टेट पावर के ऊपर दुगनी तिगनी स्टैंडर्ड्स है। जब कई लोग कहते हैं कि आप बात क्यों नहीं उठाते हो जो कहीं दुरुपयोग कर रहा है शक्ति का, आप सरकार पर क्यों उठाते हो, क्योंकि सरकार के पास कानूनी दिया गया है कि आप बंदूक रख सकते हो, अब उस कानून के दायरे में नहीं रहे और कानून का दुरुपयोग करें, तो वो तो एक बहुत खतरनाक स्थिति है। एक तो जहां अन्याय है उसके खिलाफ करना है, तो कहीं ना कहीं खिलाफत करना है, तो वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एक बहुत बहुत पावरफुल रास्ता मेरे ख्याल में दिखाया। सिविल डिसोबीडियंस, कि कानून भी हो तो वो कानून जरूरी नहीं है कि वो न्यायपूर्वक कानून है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसका खिलाफत करो, आपकी ड्यूटी है कि आप उस सत्ता का भी खिलाफत करो यदि वो अन्याय भरा कोई रास्ता ला रहा है, तो उसकी खिलाफत करो और आप न्याय के लिए लड़ते रहो। तो बिना न्याय की लड़ाई अहिंसा का मतलब नहीं। इसके खिलाफ जब आप लड़ोगे तो आप कैसे लड़ोगे, तो वहां मेरे ख्याल में गांधी जी के रास्ते बहुत बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि उस सच्चाई में ही एक बहुत बड़ी ताकत है। हम उस गांव के बीच में ही जब हम साथ बैठ के निर्णय लेंगे, तो हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार बराबर हो और हर एक की गरिमा सुरक्षित रहे, वो एक चैलेंज जो अंबेडकर ने हमारे सामने रखा। नहीं तो लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र ये नहीं है कि 50 लोग बैठे और 40 ने कुछ कह दिया और ये लोकतंत्र, बिल्कुल ही। सच्चाई इज अ वेपन ऑफ द वीक। सच्चाई एक ऐसा चीज है जिसको औजार है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट था, कई लोग कहते हैं ना कि सूचना के अधिकार एक हथियार है, फिर उसको हम लोग कहने लगे नहीं, ये एक औजार है, क्योंकि हथियार से शायद आप किसी को मारोगे, लेकिन औजार से आप चीजों को करोगे। और एक बार औजार रचनात्मक होता है। और एक बार फिर अरुणा ने काम में लिया एक शब्द, और गोपाल गांधी ने उनको कोट भी किया था कि खुरपी है, तो वो खुरपी ऐसी है जो सूरज को अंदर आने देता है, हवा को अंदर आने देता है, और मरते हुए एक पौधे को बचाता है। वो तो वो एक ऐसी प्रक्रिया है, और इसीलिए जनसुनवाई उसी प्रक्रिया को काम में लेती। जनसुनवाई उसका और भी सुंदर तरीका है, और इसीलिए मैंने कहा, और जनसुनवाई बाद में एक सोशल ऑर्डर प्रक्रिया बनी जो अब दुनिया भर में भारत से फैल रही है।
केवल आरटीआई कानून नहीं गया, सोशल ऑडिट एक तरीका गया कि सूचना को कैसे काम में लो और कैसे आप जनता के बीच में एक लोकतांत्रिक ढंग से उसको काम में लो। तो इसीलिए शब्द सोशल ऑडिट क्यों, जन सुनवाई क्यों, वो कोर्ट नहीं था, वो जन अदालत नहीं था, वो एक सुनने का एक मंच था, सुनो समझो देखो सच्चाई क्या है, और हाँ उसके बाद उसकी सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी। और ऑडिट भी एक प्रक्रिया है, ऑडिट भी एक लेन देन, एक डायलॉग, एक डायलॉगिक प्रक्रिया है। ऑडिट कोई कोर्ट का निर्णय नहीं, लोग सवाल उठाते हैं, उसका जवाब आता है, फिर और सवाल उठते हैं, फिर एक पैराग्राफ बनता है, फिर वो चलता है। और ऑडिट का शब्द भी आप यदि देखोगे पुराना, तो वो ऑडियर, टू हियर, सुनना, निडरता पैदा करना हम सबका ड्यूटी है, हम सबका। तो यदि हम कह रहे हैं कि हम एक अहिंसात्मक तरीका अपना रहे हैं, उसमें हर वो उस आखिरी व्यक्ति को निडर होके बोलने की जगह होनी मिलनी चाहिए, वो उसका एक निहित बात है।